اسلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر خان، سیون ہٹ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ بی جے پی حکومت نے پچھلے سال 8 نومبر کو راتوں رات نوٹ بندی کا فیصلہ کرتے ہوئے ہندوستانی عوام کو بے وقوف بنایا تھا۔ آج ایک سال مکمل ہونے پر کانگریس پارٹی نے حکومت کے اس فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بلیک ڈے منایا ہے۔ अरे सामने से हटो, थोड़ा हटो भाई। अरे धक्का ना दो भाई। अरे पहले मारो जी। जी का वो दिन था जो 2016 8 नवंबर रात के 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 12 बजे रात के बाद 1000 रुपये की नोट और 500 रुपये की नोट, अब नोट ये नहीं चलेगी, ये कागज़ में बदल जाएगी। ये देश का प्रधानमंत्री ने यही दिन लास्ट ईयर में कहा, और ये भी कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, मैंने ये फैसला इसलिए किया कि मुझे काला धन बाहर निकालना है और ये काले धन से गरीबों में बांटना है। तो लोगों ने बात का भरोसा किया, मुसलसिल 3 महीने रोडों पे ठहरे, बैंकों के सामने ठहरे, एटीएम के सामने ठहरे, 102 लोग अपनी जाने गंवा दी, 102 डाइट हो गए। इसका मुजरिम नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनकी ये अंधी सोच की वजह से आज देश तबाह हो गया। अभी एक साल हो गया, रिजर्व बैंक कहता है कि अभी कितना पैसा काला धन जमा हुआ, तो काला धन तो जमा नहीं हुआ, 99.9 पैसा जमा आ गया हमारे पास, और भूटान से नेपाल से अभी जमा करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके प्रिंटिंग के लिए और इसके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें 16,000 करोड़ उल्टा खर्चा होगा। ये देखो, काला धन निकालने वाले उल्टा 16,000 करोड़ देश की संपत्ति लगाकर इस देश में आज बेरोजगारी की तरफ ले गए। इसके साथ GST लगाकर नौजवानों को नौकरियों से महरूम हो गए, छोटे छोटे व्यापारी परेशान हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कोई खरीदने जाएंगे तो 28% टैक्स की वजह से परेशान है। इसीलिए आज मुल्क के अंदर ये जो नई आफत आई है वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ना भाई चाय बेचने वाले की सोच क्या होती है, नरेंद्र मोदी ने बता दिए कि जब उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड क्या कर दे मेरे सामने, मैं चाय वाले के सामने, वाकई चाय वाला ही हो गया, और उन्होंने इस देश की सारी एक मशियत को तबाह बर्बाद कर दिया।